अस्सलाम वालेकुम जी। सियालकोट कैंट के अंदर एक अफसोसनाक वाकया कुछ देर कबल पेश आया है। ये दुकानों के शीशे भी टूट फूट का शिकार देखे जा सकते हैं और किस तरह लोगों में भगदड़ मची हुई है ये भी वाजह तौर पर देखा जा सकता है। ये साफ वीडियो में ये बड़ा धमाका, इसकी बात भी सुनी जा सकती है किस तरह लोगों में भगदड़ मची इस धमाके के बाद। ये सियालकोट का इलाका कैंट है, मैकडोनल्ड के पीछे ये मशहूर पिज़्ज़ा शॉप पापा जॉन्स है जहाँ पर ये धमाका हुआ है। ये वाजह तौर पर वीडियोज भी देखी जा सकती है किस तरह लोगों में खौफ हरास था रहा और लोगों में भगदड़ मच गई है। यहाँ पर ये वाजह तौर पर धमाके भी देखे जा सकते हैं किस तरह बार बार धमाके हो रहे हैं, लोग बाहर दौड़ रहे हैं। ना सिर्फ लोगों में खौफ हरास फैला बल्कि सियालकोट इस इलाके के आस पड़ोस के जितनी भी शॉप थी वहाँ के शीशे तक टूट गए। वहाँ पर लोगों को शदीद नुकसान, माली नुकसान तो हुआ लेकिन रेस्क्यू के मुताबिक जो मामला हुआ यहाँ पर, क्यों ये धमाके हुए इसके उनके मुताबिक ये एक और धमाका, ये बार बार वीडियो में देखा जा सकते हैं किस तरह ये धमाके हो रहे हैं। ये रेस्क्यू के मुताबिक इनका कहना था जनरेटर को पिज़्ज़ा शॉप में मौजूद जो जनरेटर था उसको पहले आग लगी, उसके बाद ये इस आग ने पास पड़े सिलेंडरों को अपनी लपेट में ले लिया। उसके बाद ये सिलेंडरों की वजह से ये बार बार धमाके हुए जिसके बाद इन धमाकों की वजह से आस पड़ोस की दुकानों के शीशे तक टूट गए। इतना खौफनाक आवाज़ थी कि लोगों में भगदड़ मच गई, खौफ फैल गया, खौफ हरास फैल गया लोगों में। ये मैकडोनल्ड की बैक साइड पे एक दुकान है, पिज़्ज़ा शॉप है पापा जॉन्स, मशहूर पिज़्ज़ा है। ये वीडियो में भी देखा जा सकता है कौन सी जगह है, जो सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो वीडियो देख के उनको साफ पता चल रहा है ये कौन सी जगह है। तो वहाँ पर ये धमाके हुए हैं, रेस्क्यू की बड़ी टीमें वहाँ पर पहुँच चुकी हैं और इन रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है ताकि आग पर काबू पाया जा सके और किसी भी जानी नुकसान को रोका जा सके।